केस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आता है, असल में यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। आज से तकरीबन 44 पहले 5 सितंबर 1977 को स्पेस ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए छोड़ा था। ये स्पेस प्रोब वॉयर 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लास्ट 44 से लगातार नासा के स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयर 1 को एक ऐसे मिशन पे भेजा गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुसलसल ट्रैवल कर रहा है और इस वक्त हमसे बहुत दूर इस स्पेस के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और स्पेस के इस पार्ट को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में जाते हुए एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल मिला जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक अजीब और गरीब आवाज थी जो वॉयर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में आखिर वो चीज क्या थी जिसकी आवाज साइंटिस्ट की नींद हराम कर रही। ये आवाज अर्थ से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और एक ऐसी आवाज जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साइंटिस्ट ने कई दिनों तक इंतजार किया है लेकिन ये आवाज खत्म होना तो दूर की बात कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीब और गरीब आवाज इंटेंसिटी में कुछ कमी आई। ये आवाज वॉयर 1 की 44 की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंटिस्ट को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जिस पॉइंट पर वॉयर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद भी वो आवाज उसी पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब कि ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना कि जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाए। स्पेस में इतना ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही? और इस बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स को और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही थी, लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज होती ही नहीं है, तो आखिर ये आवाज कैसे रिकॉर्ड हो गई? ये बात तो रियलिटी है कि स्पेस में जाते के साथ ही कानों पर किसी किस्म की आवाज नहीं आती। हत्ता के स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को भी अपने बिल्कुल बराबर में होने वाली इंसिडेंट की आवाज कानों तक नहीं पहुंचती। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा, एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में तो मौजूद है ही नहीं, और इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को सुन नहीं सकते, लेकिन वॉयर 1 ने इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक पहुंचाया था ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें, और यही है वो अनोखी आवाज। साइंटिस्ट का कहना तो ये है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स को ट्रैवल करने से आई होगी, जबकि कुछ का ये कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसा है जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। अब वो कौन सी चीजें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती है, ये समझने और सोचने की काबिलियत इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयर 1 अपने एंटीना से इन्हीं वेव्स को कैप्चर करके उनके रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीना तक पहुंचने में पूरे 21 आवर्स का टाइम लग जाए। और ये पहली बार नहीं था जब वॉयर 1 ने कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस में कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसे साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले थे जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। ये कुछ ऐसी आवाजें थी जो सिर्फ आधे सेकंड से भी कम टाइम में खत्म हो जाती। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयर 1 पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली आवाज जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है कुछ ऐसी लगती है। अब ये आवाजें सुनकर साइंटिस्ट को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ज्यादा सवालों में उलझते चले जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना ये है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकता है। रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है और वो अपनी स्पेस शिप्स को इन्हीं रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से ही चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस से टकरा गए हों, उसके बराबर से गुजर रहे हों।
लेकिन इस अजीब सी आवाज की रियलिटी अभी तक किसी को भी नहीं पता। अभी तक जो भी आवाजें आपने सुनी है वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश किया और उसमें किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई। वॉयर 1 जो पिछले 44 ईयर्स से लगातार हमें आउटर स्पेस की इमेजेस और इंफॉर्मेशन भेज रहा है, दुख की बात ये है कि हम उसे अब हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले। नासा के मुताबिक वॉयर 1 के पास सिर्फ इतनी ही पावर मौजूद है कि वो नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स तक हमसे कॉन्टेक्ट में रह सकता है और उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी ही इमेजेस ही बाकी रह जाएंगी।